बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आज पीड़िता की डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट आ सकती है। कोलकाता पुलिस आज सीबीआई को डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट सौंप सकती है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट मांगी है। आरोपी संजय रॉय की डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट भी आज आ सकती है। ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओंकार, आज सीबीआई की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहने वाली है? एक तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, साथ ही साथ डॉक्टर से पूछताछ होगी, या फिर स्टेप बाय स्टेप ये सब हम होते देखेंगे? देखिए, सीबीआई की जो टीम है वो टीम काफी डिवाइड हो चुका है और डिवाइड होकर एक एक काम एक एक टीम कर रही है। तो जैसे कि देखा गया है, आज संजय राय का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कल ही सियालदा कोर्ट से मंजूरी मिल गई थी, और आज संजय राय की जो जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कराने के बाद पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो टेस्ट की जाएगी। और इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद ये चीज़ सामने आएगी कि क्या वो कुछ छुपाने चाहता है, क्योंकि इसके पहले उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया था। साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो कुछ कुछ सवाल के जो जवाब है वो जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहा था। इसीलिए सीबीआई ने ये अपील किया सियालदा कोर्ट को कि इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट, या फिर जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, उन लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहायता का बहुत ही ज़रूरत है। तो इसीलिए सियालदा कोर्ट ने कल मंजूरी दे दी है, और आज सीबीआई के सूत्रों से जो खबरें मिल रही है कि आज ही पॉलीग्राफिक टेस्ट संजय राय का किया जाएगा। और इस पॉलीग्राफिक टेस्ट, क्या वो कुछ छुपा रहा है, किसी को छुपा रहा है, क्या उस रात की घटना आधा अधूरा बता रहा है, यही सारी सवाल आज सीबीआई की जो अधिकारी है उनसे पूछताछ। ठीक है ओंकार, आप और अतुल लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे, हम आगे भी आपसे लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। और दरिंदे, आप ये मान के चल रहे हो कि केवल कोलकाता में है, तो ऐसा नहीं है,